नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। और छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को आईना भेजने पर महासमुंद के बीजेपी सांसद चंदूलाल का पलटवार। बघेल को दी 100 दिन के कामों का आईना देखने की नसीहत। छत्तीसगढ़ में चुनाव पारा अपने चरम सीमा पर है। चुनावी सरगर्मी के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनलाइन आईना पार्सल और ट्विटर पर तीखा हमला किया है। बघेल ने पीएम मोदी से कहा कि अपने असली चेहरे को पहचानने की कोशिश करें। वहीं इस मामले को लेकर महासमुंद लोकसभा से भाजपा सांसद चंदूलाल साहू ने भूपेश सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दूसरों को आईना दिखाने से पहले खुद आईना देख लें। सांसद साहू ने तंज कसते हुए कहा कि भूपेश सरकार पहले अपने 100 दिन के कार्यकाल को देखें और अवलोकन करें, फिर आईना अपने घर में रखें। 3300 करोड़ रुपया शराब से आवक होता था, उसको और ज्यादा बढ़ाने के इसने अनुमान लगाया है। और 4700 करोड़ का बजट में दारू से अनुमान लगा करके नए नए ब्रांड दारू बेचने का इसने प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना पार्सल कर ट्विटर पर उन पर तीखा हमला किया है। इसी के साथ प्रदेश की सियासत में आईना की राजनीति ने बड़ा भूचाल मचाया हुआ है। इस पर भाजपा के सांसद चंदूलाल साहू ने पलटवार करते हुए भूपेश सरकार को अपने सवालों में घेरा है। जब से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना पार्सल कर उन पर तीखा हमला किया है, तब से कई बयानबाजी सामने आ रहे हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आईने की राजनीति आने वाले समय में प्रदेश की सियासत में कितना तुल पकड़ता है। कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ मैं शेख इमरान, भास्कर न्यूज, गरियाबंद। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी को आईना पार्सल किया है। बीजेपी ने भी पलटवार किया है कि आईना खुद देखें और अपने 100 दिन के कार्यकाल को देख लें और आईना अपने पास रखें। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता शेख इमरान से। शेख इमरान, जिस तरीके से एक दूसरे को अब आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है इस बार जो वर्तमान स्थिति यदि हम देखें लोकसभा चुनाव को लेके, तो वहां से जो प्रत्याशी हैं, जिन लोगों के नाम चल रहे होंगे, क्या लगता है कि क्या आईना दिखाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा या वाकई में स्थितियां हैं जो इस बार कुछ बदलती हुई दिख रही हैं? देखिए राकेश जी, बता दूं वर्तमान स्थिति में अभी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। तो भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो दोनों के सुर बैठ नहीं रही है। दोनों एक दूसरे पर कहीं ना कहीं एक तंज कसते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईना पार्सल कर ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री को कहा है कि वो अपना चेहरा आईने में देखे, तो उसको लेकर प्रदेश में कह सकते हैं कि चुनावी माहौल है। और चुनावी माहौल में जिस तरह भूपेश बघेल ने आईने की राजनीति शुरुआत की है, तो बड़े नेताओं के बयान भी अब सामने नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं, वो लगातार इस पे बयानबाजी कर रहे हैं। और वर्तमान स्थिति की अगर बात करें कि किसको आईना देखना चाहिए और किसको नहीं देखना चाहिए, तो सबसे जमीनी स्तर की जो बात यह है कि बड़े नेता भले ही किसी चीज को लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाए, लेकिन देश की जो जनता है, जो ग्रामीण इलाके की जो जनता है, वो सिर्फ बुनियादी सुविधाओं को लेकर देखते हैं कि उनके प्रत्याशी किस चीज की घोषणा कर रहे हैं, किस चीज को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में। तो इसको लेकर जनता के बीच अगर देखा जाए तो इन मुद्दों को दरकिनार कर रहे हैं और एक मजा जैसे ले रहे हैं कि कौन नेता क्या बोल रहे हैं और कौन नेता किस तरह के बयान दे रहे हैं। तो मौजूदा हालात बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि आईना दिखाने की जिस तरह कोशिश किया जा रहा है, भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को आईना देखने की बात कही है, तो अब बीजेपी के लोग अब भूपेश सरकार को अपने सवालों में घेरते हुए उनके 100 दिन के कार्यकाल को आईना में देखने की बात कर रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव स्तर पर है तो बयानबाजी तो प्रदेश में अब जोरों से होने लगी है। और जो आईने की राजनीति है, ये सियासत में एक बड़ा तूल पकड़ते जा रहा है। और एक तरह से कहे कि प्रदेश की राजनीति गलियारों में ये एक बड़ा बवाल मचा हुआ है इस बयान को लेकर।
चलिए बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शेख इमरान। तो आपको बता दें कि आईना दिखाने वाले पहले खुद आईना देख लें, ऐसा चंदूलाल जी ने कहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी को आईना पार्सल किया गया है और कहा गया है कि वो अपनी शक्ल देखें, वो आईना देखें। और उस पर पलटवार में ये भी जवाब इस तरीके के आ रहे हैं कि पहले अपनी सरकार का अवलोकन करें और आईना अपने पास रखें। बहरहाल इस आईने की राजनीति में क्या होता है ये आने वाले वक्त में जरूर पता चलेगा। तीन दशकों से भी ज्यादा समय से भोपाल लोक